सो फाइनली हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स की। काफ़ी टाइम तक मैंने टॉपिक अवॉइड करा, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इंस्टाग्राम रील्स को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे वायरल बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ तीन ऐसी टेक्निक आज शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी रील्स में यूज़ करी हैं और मेरे लिए वो काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मेरे लिए कोई आइडिया काम कर रहे हैं, टेक्निक काम कर रही है, तो हमेशा की तरह आपके साथ भी इस वीडियो के साथ शेयर किया जाए। तो मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ रील्स को एडिट करने के लिए। मोस्टली मैं अपने फोन में, अपने आईपैड में जो यूज करता हूं वो है VN एडिटर। अगर आप में से कई लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होगे, अगर आपको कोई एक ऐसी ऐप चाहिए जिसको यूज करके आप रील्स को एडिट कर सकते हो एकदम इजीली, वो है VN एडिटर। मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये ऐप मुझे अच्छी लगी तो इस वजह से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब मैं VN एडिटर को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। ये आईपैड है बट आईफोन एंड्रॉयड सब में सेम इंटरफेस है। तो मुझे क्या करना है, बॉटम लेफ्ट में होम के साइड में प्लस का आइकन है, यहां जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, आई विल जस्ट सेलेक्ट जो भी मुझे फोटोज या वीडियोस चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। बट पहली टेक्निक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है स्प्लिट स्क्रीन का, जो मेरी कुछ रील है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है उसको यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली तीन विंडोज़ में अलग अलग वीडियोस चलानी है। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो सेलेक्ट करूँगा जो मैं बीच में रखूँगा, इसको सेलेक्ट करके हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 16:9 रेशियो आ रहा है बिकॉज ये फ़ोन से शूट किया था। यहाँ टॉप सेंटर में आपको ओरिजिनल का ड्रॉप डाउन दिखेगा, यहाँ से 9:16 ऑब्वियसली यहाँ टिकटॉक का आइकन देना है, बट सेम चीज़ है इंस्टाग्राम रील के लिए भी 9:16 चलता है। तो इस तरीके से अब मेरा कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी जो वीडियो थी वो छोटी सी स्क्रीन पे यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस का आइकन है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो सेक्शन है दिस इज फॉर वीडियोस। तो इस टाइमलाइन के जस्ट ऊपर जहाँ ये लिखा है टैप टू ऐड स्टिकर, ये वाला सेक्शन, यहाँ जब मैं टैप करूँगा तो मुझे जाना है पहले ऑप्शन पे और यहाँ से मुझे ऑप्शन मिलता है मैं वीडियो या फोटो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा नेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट और इस तरीके से मेरी सेकेंड वीडियो भी आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ ड्रैग करना है, इसको पोजिशन कर देना है जहाँ भी मैं वीडियो रखना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ अच्छा है, ऑटोमेटिकली ना अलाइन कर देता है। अब देखो ये सेंटर अलाइंड है, ये ऊपर अलाइंड है। अब एक और तीसरी वीडियो हमें चाहिए तो मैं फिर से प्लस पे जाऊंगा, एक और वीडियो सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ऑलरेडी ये सॉर्टेड है। अब इस तरीके से मेरी तीन क्लिप्स एक विंडो में आ गई, बट बीच में अभी गैप है तो ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं तीनों वीडियोज़ का हल्का साइज एडजस्ट कर लूँगा और इस तरीके से तो ये हो गई है मेरी स्प्लिट स्क्रीन इंस्टाग्राम रील रेडी। मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो साइमल्टेनियसली तीनों वीडियो चल रही हैं तीन सेक्शंस में। अब इसको करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, टॉप राइट में एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, आपको 1080p चाहिए 4K। अब ये मेरी 1080p क्लिप्स थी तो इसलिए इसमें हो रहा है, 4K भी आप कर सकते हो, आई यूजुअली एक्सपोर्टेड एट 4K। ये सब करने के बाद आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे जाओगे आपकी वीडियो फाइनल प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको सेकंड रील का आइडिया दिखाता हूँ जो एकदम यूनिक है और मैंने हार्डली किसी को यूज़ करते हुए देखा है। ये वीडियो में बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको मास्किंग बोलते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो जो मैंने कल ही पोस्ट करा था, आप देख रहे हो बर्ड जो यहाँ पे हैं वो फ्रीज हो रखी हैं और एकदम से कुछ सेकेंड्स के बाद वो नॉर्मल वीडियो की तरह काम करता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये मैंने प्रीमियर प्रो में करा था बट मैं आपको VN एडिटर में भी दिखाता हूँ कितना ईजिली आप फ़ोन से प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं गया न्यू प्रोजेक्ट पर, मैंने अपना वीडियो सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज हम ये वाला करते हैं, मैं गया नेक्स्ट पे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक ऐसा मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं ये वीडियो को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है इस सेक्शन पे यहाँ पे क्या है, ये बर्ड भी है और पीछे कुछ बोर्ड्स भी हैं, तो मैं ये एक्शन जो है इसको थोड़े सेकंड के लिए फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मुझे फ्रीज का, ये देखो यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन है फ्रीज। तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक इमेज ग्रैब ले लेगा और वो मुझे यहाँ पे दे देगा। तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा एकदम एंड में फॉरवर्ड का, इससे क्या होगा ये वीडियो ऊपर के लेयर में आ जाएगा ये फोटो। तो मैंने किया फॉरवर्ड, अब ये देखो ये अभी एकदम फ्रीज हो रखा है और अब वीडियो चल रहा है, बट हमें क्या करना है, तो एक ही सेक्शन आधा वाला सेक्शन है वो फ्रीज करना है, बाकी नॉर्मल वीडियो चलानी है। तो पहले वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि पहले तो हम इसको थोड़ा स्लोमो कर देंगे, तो मैं स्पीड पर जाऊँगा रेगुलर पर और यहाँ से 0.5, ठीक है, क्योंकि ये 60 FPS पे था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये जो मेन वीडियो है ना इसमें ये वाला पोजिशन ढूंढना है जहाँ पर आपने
फ्रेम ग्रैब करा है। तो ये मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बर्ड थी तो मैं सेम चीज़ यहाँ ढूंढूंगा, ये वाला फ्रेम है जहाँ पे ये बर्ड है और इसके बाद नॉर्मल वीडियो चलेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये अपनी मेन इसको सेलेक्ट करूँगा वीडियो को और यहाँ तक ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ इतना हो गया, बट अभी भी अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो स्टिल इमेज आ रही है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यहाँ करना है, सबसे एंड में जाऊँगा, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है मास्क। तो हमें मास्क के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। अब मास्क से आपको बहुत सारी ऑप्शंस देखेंगे, बट अभी हमें यूज़ करना है लीनियर। अब लीनियर क्या करेगा, ये देखो, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ तो ऊपर का जो पार्ट है वो इमेज है जो स्टिल ग्रैब है, और नीचे वाला नॉर्मल वीडियो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने पोर्शन तक इसको रखूँगा, इसको एंगल भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम एंगल रखेंगे और ये जो एरोज है ना ऊपर नीचे, इसको जितना मैं स्प्रेड करूँगा ना उतना फेदरिंग होगा, हल्का सा फेदरिंग रखते हैं और इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इतना हो गया, देन मैं ओके करूँगा। अब ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो, ऊपर का सेक्शन फ्रीज्ड है और नीचे वाला पार्ट देखो, ये नॉर्मल मोशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये एकदम बर्ड फ्रीज थी और वो चलने लग गई। तो यही टेक्निक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आपको मैंने पूरा टेक्निक बता दिया वीएन में कैसे प्रोसेस कर सकते हो। अब थर्ड आइडिया है फोटो और वीडियो का मिक्स। तो होता क्या है, रील में लोग रील को क्यों कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जब कुछ यूनिक और अलग दिखता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज डालेंगे जो स्टिल रहेगी और नीचे या ऊपर के साइड में जहाँ भी आप पोजीशन करना चाहो, आप अपनी बिहाइंड द सीन या उस लोकेशन की वीडियो डाल सकते हो। कैसे, हम चलते हैं पहले वाले प्रोजेक्ट पे, लेट्स सपोज ये वाला जो था। अब ये जो सेंटर वाली वीडियो है ना, इसको अभी के लिए हम डिलीट कर देंगे, डिलीट हो नहीं सकती तो हमें दूसरी वीडियो ऐड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो मैं इस टाइम पे वीडियो ऐड नहीं करूँगा, मैं ऐड करूँगा फ़ोटो। लेट्स सपोज ये वाली मेरी फ़ोटो है, इसको मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये आ गई मेरी फ़ोटो। अब दोनों क्लिप्स वापस चली गई, तो हम अंडू करेंगे और इसको मैं टच एंड ड्रैग करके आगे की तरफ पोजिशन कर दूंगा, और ये वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं इनको मैं पहले ले आऊँगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हमारी पोजिशनिंग हो गई। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो बीच में मेरी फ़ोटो है और ऊपर और नीचे वीडियो आ रही है। सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हो। तो इस तरीके से नीचे वाली साइड मैंने अपना BTS दिखाया हुआ है और ऊपर मैं अपना फाइनल आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो ये थे कुछ 3 टेक्निक्स इंस्टाग्राम रील्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ डिफरेंट था शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप रील अपलोड करते हो मुझे टैग ज़रूर करना, ये मेरा हैशटैग है, यहाँ पे आप मुझे हैशटैग कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक और चीज़, मैं बहुत जल्दी आई एडिट योर फोटोज़ वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डिटेल दे दूंगा, तो जो भी लिंक वगैरह रहेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।